सानू ये दस्या जाए कि साडा कसूर की है। असी अद्धी रात तक थानियां विच कट रहे हैं, असी महिलावां अद्धी अद्धी रात तक बिना कोई जुर्म किए असी थानियां च बैठे हैं। बदलाव ने साडे तो बदला लिया है जिहड़ियां असीं वोटां दित्तियां सी। क्वालिफिकेशन होने के बावजूद असीं कनेडा छड़ के पंजाब नूं चुनिया, ये साडे तो वड्डी गलती हो गई। कांग्रेस जिहड़ी है उहदी पुलिस डंडे मारदी सी, अकालियां दी पुलिस भी डंडे मारदी सी, ते पर उन्होंने कभी दावे नहीं सी कीते कि साडे राज दे विच डंडे नहीं पैणगे। ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਸੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ? ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜੀਭ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। मैं गोल्ड मैडलिस्ट रही हाँ जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, इस तो इलावा मैं यूनिवर्सिटी चांसलर मैडल अवार्डी रही हाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। साडे घरदियां ने पहला साडे नाल पढ़ाइया पूरिया कीतियां, हुण ओह साडे नाल धरनिया च शामिल हो रहे ने। सरकारी संस्थावां ते रेडा मारदे आ और प्रचार करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियां। काल खदे बन जा रहे हो, चानण कदे हरिया नहीं, ओए किरणा दे कातलो, सूरज कदे भी मरिया नहीं, सूरज कदे भी मरिया नहीं। सत श्री अकाल, मैं सुखी मंगाणिया, तुसी जुड़े हो सरलेख दे नाल। 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर ते लाइब्रेरियन की भर्ती कांग्रेस वेले आई सी। पंजाब दे लोकां ने 92 सीटां दे के आम आदमी पार्टी नूं इस करके सत्ता विच लिआंदा सी कि इन्हां नूं वड्डी उम्मीद सी, खासकर पंजाब के नौजवान पीढ़ी में यह उम्मीद थी कि साडा भविख साडी बेरोजगारी भगवंत मान मुख्यमंत्री का हरा पेन दूर करेगा, तो अक्सर वो गल्लां करदे भी रहे ने। अज एक मीटिंग लैण दे लई पंजाब का सब तो वध पढ़िया लिखा तबका सड़कां ते उतरिया होया है। अज मेरे नाल बहुत सारे नौजवान खड़े ने, करदे आं गल्लबात। की नाम है तुहाडा? मेरा नाम दलजीत है जी। क्वालिफिकेशन? मैं एमफिल कीती हुई है ते पीएचडी कर रही हां नेट जेआरएफ। कांग्रेस वेले भर्ती आउंदी है पर तुहानू शायद उदो उम्मीद नहीं सी, इस करके तुसी आम आदमी पार्टी नूं वड्डे पद्धर ते हमायत कीती पंजाब दे लोकां ने। अज की कहना चाहोगे, अज मीटिंग दे लई हाड़े कढ़ने पै रहे ने? असीं यही कहना चाहुंदे आ कि जिहड़ा बदलाव लगदा सी, इह कहिंदे सी कि बदलाव आऊगा, आम आदमी पार्टी आम लोकां दी पार्टी है, इह बदलाव लैके आऊगी, तां बदलाव तां दिखदा है पर उह बदलाव इस तरहां दा है कि कांग्रेस जिहड़ी है उहदी पुलिस डंडे मारदी सी, अकालियां दी पुलिस भी डंडे मारदी सी, ते पर उन्होंने कभी दावे नहीं सी कीते कि साडे राज दे विच डंडे नहीं पैणगे। हुण जिहड़ा बदलाव यह आया है कि इन्होंने दावे कीते कि असी डंडे नहीं मारांगे पर इहदे बावजूद भी मारे, यह अपनी कहणी तो मुकरे ने। इन्हां दी कहणी ते करनी दे विच जिहड़ी है तुफेड़ है। असी एक जस्ट मीटिंग लैन आए सी ते मीटिंग दे लई इन्हां दी सरकार दे विच जे सानू तरले करने पै रहे ने तां इह कीहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार है? मेरा यह भगवंत मान जी नूं सवाल है। टैंकियां ते चढ़ी हुई कुड़ी मुख्यमंत्री दिल्ली दे केजरीवाल नूं अपनी भैण लगदी सी, ते तुरी जांदी माता दे हंझू मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं अपनी माता दे हंझू लगदे सी, ते चुन्नियां फाड़न दी गल अक्सर मुख्यमंत्री करदे हुंदे सी। अज 1158 लड़कियां शरेआम लाठीचार्ज किया जाता है, डांगा भराइया जाए, कदे सोचा सी भी इंज करूगी आम आदमी पार्टी?
बिल्कुल भी नहीं सोचा। हालांकि जिहड़ा भगवंत मान की आम आदमी पार्टी का सारा हीज प्याज इस लाठीचार्ज तो बाद नंगा हो गया, उन्होंने बदलाव के गुब्बारे की जिहड़ी फूक है वह निकल चुकी है, क्योंकि जेडे खुद दावे करते कि साड़ी सरकार दे विच इस किस्म का कुछ होगा नहीं, वह सब होने तो बाद भी उन्होंने जबान जिहड़ी ठाकी गई है। एक भाई हुण तुसीं झूठा ही रो के दिखा दो, झूठा भी नहीं थोड़े तो रोया जा रहा है, साढ़े तो लाठीचार्ज करवा के थोड़ी जे हजे भी जीभ बंद है तो असी तो यह सोचते हैं कि जीभ जी है वो कारपोरेट सैक्टर के बारे बोलने के लिए उन्होंने हकों के लिए खुलती है, यह उन्होंने ही सरकार है, उन्होंने लिए यह आम आदमी ने, साडे लिए तो हजे भी यह खास आदमी ही बने हुए हैं। कॉलेजों के सरकारी कॉलेजों के 25-26 साल बाद भर्ती आती है तो 75 साल बाद लोग सरकार बदलते हैं, 12 साल बाद रूड़ी सुड़ी जाती है, की लगता पंजाब कितने खड़ा है? मैनू लगता पंजाब की तो जिहड़ी है वह 24 साल बाद भी नहीं सुनी गई। पंजाब जिहड़ा है वह लगातार नशियां दी, प्रवास दी, खुदकुशियां दी, लाइलाज बीमारियां दी दलदल दे विच धक्किया जा रहा है, पर इहदे बावजूद इहदे विच सत्ता दे विच आउण वाली जिहड़ी हर पार्टी है वह अपना उल्लू सीधा करती है। हुण वी भगवंत मान ने 1095 करोड़ का कर्जा जिहड़ा उह मंजूर करवाया, पर उह जिहड़ा पैसा पंजाब दा हुण पंजाब दे सिर कर्जा जिहड़ा लगेगा कित्थे? हिमाचल ते गुजरात दे विच प्रचार करन दे उत्ते लगेगा, वह पंजाब दे सेहत दे खेत्र च, सिक्ख्या दे खेत्र च सुधार करन दे लई काम नहीं आऊगा, वो पंजाब दे आम लोकां दीआं जेबां नूं सवारन दे लई काम नहीं आऊगा, वह काम आऊगा कारपोरेट सैक्टर दे हितां दी पूर्ति करन दे लई ते आपदे प्रचार प्रसार दे लई। पंजाब जिहड़ा वो लगातार बौद्धिक पक्खों ते पैसे पक्खों जिहड़ा कंगाल हुंदा जा रहा है, पर पंजाब दे विच सत्ताधर दे विच आउंदी हर जिहड़ी पार्टी है वह बिल्ली नूं देख के कबूतर दे अखां मिटण वाला काम जिहड़ा वो लगातार कर रही है। दलजीत, जदों वड्डे बदलाव की उम्मीद पंजाब के लोगों ने लाई थी उदों घर च गल्लां चलदियां होणगियां, मां नूं उम्मीद जागी होगी, बापू सोचता होगा भी धी तां हुण लग के प्रोफेसर लग जूगी, बल्ले बल्ले हो जाणी है। अज घर दे हालात की ने, अज घर दे हालात की सोचदे ने? साढ़े मां प्यो नूं भी उम्मीदां सी कि शायद 25 साल बाद कोई नवी सरकार बदली है, तां इह इन्ने आम आदमी पार्टी ने पहलां पंजाब दे विच सरकार नहीं बनाई, हुण तां आम लोगों की सरकार है। इन्हां ने तां एक झाड़ू जिहड़ा कि एक निमन तबके तथागत ते निमन तबके दे हत्थ दे विच आउंदा उन्हां नूं आपदा चोण निशान बनाया सी वी शायद इह निमन तबकियां दी सरकार है, उन्हां दे हितां दे विच भुगतूगी, घर दे भी खुश सी कि इह जिहड़ी सरकार है नवीं आई है तां शायद इह लोकां दे लई कुछ करूगी, पर अज उन्हां ने जिहड़ियां आसां उम्मीदां ने जदों आपदे बच्चियां नूं इत्थे डंडे खांदे देखदे ने उह वी टुट गईआं ने, उन्हां नूं वी इह सरकार तों कोई आस दी किरण जिहड़ी है उह दिखाई नहीं दिंदी। हैरानी इह हुंदी है कि हजे भी वह मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जिहदा कि संविधान दे विच कोई प्रावधान ही नहीं हैगा कि सत्ताधर दे विच जिहड़ी बैठी पार्टी वह बुला सकती है, वह भी विधानसभा दे विच बुला रहे ने, जे थोड़े अंदर माड़ी मोटी भी शर्म बाकी है तो तुसीं इत्थे आ के पुछो ना भी भाई थोड़ा साडी पार्टी दे विच विश्वास है या नहीं, 92 तो थोड़े जितते हुए हैगे ही ने, वह तो थोड़े हक दे विच ही हा दा नारा मारनगे ना, तुसीं जिहदे लई सरकार बनाई आ आम लोगों के लिए बनाई आ, तुसीं 92 MLA नहीं बनाई हैगी, तुसीं सानू आ के पुछो भी भाई भाई थोड़ा विश्वास 6 महीने हो गए सानू काम करदिआं नूं साडे ते बणिआ कि नहीं बणिआ कि टुट गया, पता है पर शर्म है उन्हां नूं नहीं आ सकदे हैगे क्योंकि असीं सीधा उन्हां दे मूँह ते कहण नूं तैयार हाँ कि जिहड़े तुसीं लारे लाए सी उह जिहड़े ने उन्हां दा भांडा फुट गिआ, सानू थोड़ी पार्टी दे उत्ते कोई विश्वास नहीं रहा कि अग्गे वी कोई काम जिहड़ा चज्ज दा कर सकदी है। हांजी, की नाम है तुहाडा, क्वालिफिकेशन की है? सर मेरा नाम डॉक्टर परमजीत कौर है, मैं नैट PhD कीती हुई है फिजिकल एजुकेशन दे बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर दे तौर ते सरकारी कॉलेज हुशियारपुर दे विच पिछले 10 महीनों तो जॉब कर रही हाँ। इस भर्ती दे अधीन? हाँ जी सर। सर साढ़े टोटल 1158 की भर्ती दे विचों 124 कैंडीडेट नूं स्टेशन मिल चुके सन, उस तो इलावा 483 दे लगभग जिहड़े कैंडीडेट आ उन्हां नूं सिर्फ अपॉइंटमेंट लैटर ही अजे मिले सी और उन्होंने स्टेशन अलॉटमेंट हजे नहीं हुए सी, और कुछ इंग्लिश पंजाबी और हिंदी के कैंडिडेट सी जिन्होंने हजे उन्हों लिस्टा प्रॉपर अपलोड नहीं हुई सी वैबसाइट के उपर, सो विचे NERIT पटीशन लगन दे करके और सरकार की सुहिरदता के नाल पैरवाई ना करन करके साड़ी कोर्ट दे विच भर्ती लटक गई, और हौली हौली तुसी आज देख ही सकते हो कि सानू धरनिया दे विच इत्थे लै आंदा गया आ, और अज असी इस मुकाम ते खड़े हाँ कि असी मैरिटोरियस होने के बावजूद साढ़े हाथ पले कुछ नहीं है, सो जिहड़ा असी यह बदलाव लिया सी यह बदलाव ने साढ़े तो बदला लिया जिहड़ियां असी वोटां दित्तियां सी। इस तो इलावा मैं यह भी दसना चाहवागी कि 1996 की भर्ती दे विच मेरे चाचा जी
जिन्हों 2021 उन्हों का केस सॉल्व होया और रवि सिद्धू के केस के उन्होंने मुड़ बहाली हुई और सरकारी कॉलेज कोटकपुरा के उन्होंने बतौर हिस्टरी के सहायक प्रोफेसर वजो ज्वाइनिंग हुई और सेम 2021 की भर्ती के मेरी जी ज्वाइनिंग हुई। मैं इनू खुशी समझती कि या मैं इनू दुख समझती, सानू पूरे परिवार को समझ नहीं सी आ रहा। बट उस तो बाद लगातार प्रक्रिया जो हुण साडे नाल हो रही है, मेरी फैमिली का तो इतिहास ही रिपीट हो रहा है। सो मैनू भी लगता है कि सरकारां सानू 25-26 साल इस तरह रोल सकदियां ने, क्योंकि ये बदला नहीं, ये बदला लैण दी भावना रखदियां ने। इस तो इलावा मेरे हस्बैंड ने ये सोच लिया कि साडा इत्थे कुछ नहीं बन रहा। इस सरकारी नौकरी आने तो पहला असी आयल्स की, मेरे हस्बैंड ने 8 बैंड लए, असी PR की फाइल भी लगाने वाले सी कि साडा भविख इत्थे सोचा कि सुरक्षित हो रहा है, सानू हुण नहीं जाना चाहिए। सो हायर इन्नी क्वालिफिकेशन करके, नैट PhD करके, इन्निया क्वालिफिकेशन होने के बावजूद असी कनेडा छड़ के पंजाब नू चुनिया, ये साढ़े तो वड्डी गलती हो गई। जे पंजाब सरकार सानू न्याय नहीं दे सकती तो सानू समय सिर दसे, क्योंकि सानू ये पता है कि साडा टैलेंट कनेडा की सरकार या फॉरन कंट्रीज़ दियां सरकारां जरूर पछाण लैणगियां, साडे अपने पंजाब सरकार जिहड़ा है साडा टैलेंट नहीं पछाण सकी। सो सानू अपने सड़कां अपने हक्कां लई सड़कां ते उतरना पिया। 10 महीनों तो रेगुलर तनखा लै रहे हो, तुहाडे संबंधी इन्हां दा कोई नोटिस सीधे तौर पर जां पहुंचा जां हुण तक की? बिल्कुल सर, हजे तक कोई नोटिस नहीं आया सरकार वालों और ना ही कोई बयान आया। असीं वार वार अपनी हक लई एक मीटिंग की मंग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट वालों भर्ती रद्द कर दिती गई है, सानू किसी तरह एक मीटिंग दिती जाए, साडी गल सुनी जाए कि साडा कसूर की है। एक कैंडीडेट का काम हुंदा है पेपर लई पढ़ना, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करना और भर्ती दे लई पेपर देना, असी सिर्फ वो ही कर सकते हैं। सानू ये नहीं सी पता कि सरकारां इश्तिहार भी सही नहीं छाप सकदियां और सही तरह पैरवाई भी नहीं कर सकदियां। जे ये जिम्मेवारी भी साडी कैंडीडेट्स दी ही है तो सानू लगता है कि सानू एक और डिग्री भी कर लेनी चाहिए सी, साडे तो ये भी गलती हुई है। और सरकारी नौकरी लगन लई अजकल एक डायलॉग बहुत मशहूर है कि जो तक तुसी डंडे नहीं खा लैंदे तुहाडी कोई सरकारी भर्ती पूरी नहीं हुंदी। असी ते पिछले दिन ही तुसी देखिया है कि 19 सितंबर नूं असी और भी डिग्री हासिल कर चुके हैं, कि सरकार साडी हुण भी नहीं सुनेगी तो कदों सुनेगी? बड़ियां नन्नियां छावां दा मजाक उड़ाउंदे ने भगवंत मान चोणां दौरान, उस तो पहला भी जदों किसी ते लाठीचार्ज हुंदा सीगा तो उदों कहिंदे सी कि सरकारां लाठीचार्ज करदियां ने, असी नहीं करांगे। होर तो होर ये भी कहिंदे रहे ने कि असी तां पंजाब दी सड़कां ते किसी भी नौजवान नूं जां किसानां मजदूरां नूं धरने नहीं लाउणे पैणगे, ते अज की सोचदे हो? सर असीं अज यही सोचते हैं जो सानू दिखाई दे रहा है, सरकारां दा सिर्फ एक लोगो ही बदलिया है। पुरानियां सरकारां भी यही कर दियां सी ते हुण वाली सरकार भी यही कर रही है। इस तो इलावा जिहड़े टीचर ने मैनू पढ़ाया है वह भी पिछले 10 महीनों तो इस भर्ती दे विच मेरे नाल उन्होंने ज्वाइन किया है, श्रीमती डॉक्टर अरुणा राणी जी और मेरे ही एक जूनियर ने, असी जिहड़े दोनों अपने ही टीचर तो पढ़े हुए हाँ, असी दोनों ने मैडम दे नाल ज्वाइन किया है और मैडम साडी तो काफ़ी एज ने। असी जदों इस भर्ती बारे गल करते हैं, सड़कां दे आउण दे बारे गल करते हैं, लाठीचार्ज की गल करते हैं, असी ये मैडम नूं भी पुछदे हाँ कि मैडम तुसी सानू मोटीवेट क्यों किया, क्यों पढ़न लई इन्ना किया, असी इन्ना ना पढ़ते प्लस टू करके बाहर चले जाते, पर असी मायूस हाँ कि साडे टीचर नूं भी नहीं सी पता कि ये रियालिटी उन्हां नाल भी इस तरह वापरेगी और साडे नाल भी इस तरह वापरेगी। ये बदलाव की सरकार नहीं है, ये खास आदमी पार्टी है और ये सिर्फ ते सिर्फ लारियां की पार्टी है। ये जो रिपोर्ट कार्ड लै रहे ने पिछले 6 महीनों का, सानू 10 दे विचों किन्ने अंक दोगे? तुसी इत्थे आके देखो, साडे नाल लाइव गलबात करो, साडे मसले हल करो, फिर तो असी तुहानू नंबर देईए। असी इस तरह तुहानू किस तरह नंबर दे दईए? असी तो अपना इहो जिहा 10 नंबरों वाला पेपर खाली छड्ड के आवांगे। की नाम है तुहाडा जी? मेरा नाम ईशा मदान है। ईशा मदान। हां, क्वालिफिकेशन जी? मैं मास्टर्स इन बॉटनी, PhD बॉटनी जी। हाँ जी। बड़ी चंगी एजुकेशन ली है, बड़ी मेहनत वाला टॉपिक चुनिया होया, सब्जेक्ट चुनिया होया, अज की सोचते हो जी?
बहुत मुश्किल हालातों में लंघ के असी ये पढ़ाइया पूरी कीतिया ने। मैं गोल्ड मैडलिस्ट रही हाँ जी पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला। इस तो इलावा मैं यूनीवर्सिटी चांसलर मैडल अवार्डी रही हाँ पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला 2017 बैच की। पर बहुत मंदभागी गल है कि असी पेपर क्लीयर करके पहला असी होर आपदी एलिजिबिलिटीज़ पूरी कीतिया ने, नैट क्वालीफाई किए हैं, JRF क्वालीफाई किया, गेट क्वालीफाई किया, उस तो बाद जो सरकार ने साडे वास्ते एक पेपर रख्या असी वह भी क्वालीफाई करके उहदे विच भी मैरिट च आए हाँ। लेकिन अज की तुसीं जो स्थिति पिछले कुछ दिनों चो देख रहे हो कि 1158 की जिहड़ी सहायक प्रोफेसर अते लाइब्रेरियन उहदी भर्ती है, इहदे वल सरकार दा किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव जिहड़ा रिस्पोंस है वह नहीं देख रहा। सरकार बिल्कुल अपना जिहड़ा बैकफुट ते काम कर रही है, कोई अपना पॉजिटिव बयान नहीं दे रही कि असी इहदे विच उचेरी सिक्ख्या बचावांगे या इस भर्ती नूं असी पूर चढ़ावांगे। पहला सरकार ने सानू बहुत लारे लाए कि असी मानयोग हाई कोर्ट की जजमेंट की वेट कर रहे हैं जी, जिदे ही जजमेंट आएगी असी पैरवाई करांगे। पर बीती 16 अगस्त नू साडी रिटन जजमेंट भी आ चुकी है, उस तो बाद भी सरकार वालों साडा कोई हथ नहीं फड़िया जा रहा। असी सिर्फ एक मीटिंग की मंग कर रहे हैं कि सानू एक मीटिंग दिती जावे जिदे विच असी तुहाडे नाल अपने फैक्ट्स डिस्कस कर सकीए। जे तुहाडे कोले वकील नहीं है जिहड़े तुहानू ये दस सकन, तां असी तुहानू उन्हां सारे फैक्ट्स जिहड़े जिहदे तौर ते साडी इस भर्ती की नोटिफिकेशन रद्द हुई है असी तुहानू क्लीयर कर सकीए, तां जो तुसी साडी डबल बेंच ते पैरवाई कर सको। तो सरकार का उहदे ते किसी भी तरह का कोई साडा हथ नहीं फड़िया जा रहा, बिल्कुल नकारात्मक साडे अगे नतीजे ने। हुण दसो असी किधर नूं जाइए, सानू ये दस्या जाए कि साडा कसूर की है। असी अद्धी रात तक थाणियां विच कट रहे हाँ, असी महिलावां अद्धी अद्धी रात तक बिना कोई जुर्म किए असी थाणियां च बैठे हाँ। साडे घरदिआं ने पहलां साडे नाल पढ़ाइयां पूरियां कीतियां, हुण उह साडे नाल धरनिआं च शामिल हो रहे हैं कि पंजाब का आम लोगों का भविख इत्थे जोगा ही है, असी बाहर चले जाइए इहदे नालों, तुसी सारा क्लास पढ़ाइयां बंद कर दो, साफ मुकर एक ट्वीट कर दो। बहुत एक्टिव ने भगवंत मान जी, मीत हेयर जी ट्विटर से फेसबुक से यह कह दें कि साढ़े को साढ़े को कुछ नहीं है नौजवानों को देने वास्ते, असी भी आपका बैठ जाइए, असं कनेडा चले जाइए, क्योंकि साढ़े च इन्ना कैलीबर हैगा कि असं कितने भी जाके आपके आप साबित कर सकते हैं। पर साड़ी ये गलती रह गई कि असी पंजाब चुनिया, असी पंजाब के सरकारी कॉलेज सुधारण बारे चुनिया, असी भी कोई प्राइवेटाइजेशन चले जाते तो शायद सानू सड़कों पर ना आना पैंदा। इन्हें तो सानू अपने घर मीत हेयर साहब के घर के बाहर असी धरना लाया सी, सानू घर के बाहर इन्होंने लाठी चार्ज किया, तो मसले हल तो उन्हें तो बहुत दूर की गल है, वह तो सुपनिया की गल है, ये तो मसले सुन भी नहीं रहे, मसले सुन के इग्नोर कर रहे हैं। इन्ना इन्हों का फर्क आ गया कि यह सरकार सिर्फ नाम की आम आदमी सरकार रह चुकी है। इन्हों के काम पहलिया सरकार नालों भी मैं कहूँगी बुरे हाल ने। मैं नहीं कदे अपनी टाइम के पहलिया सरकार देखा कि सब तो बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने PhD की PDF किए ने, बाहर जाने वाले वीजे रिजैक्ट किए ने, इन्ने चंगे चंगे रिसर्च जर्नल्स के रिसर्च आर्टिकल्स ने, बुक चैप्टर्स ने, नैशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसा के असी प्राइज ग्रैब किए हुए हैं, असी चंगिया पोजिशन हासिल कीतिया हुई ने। इन्ने चंगे वर्ग के लोग कदे नहीं मैं देखे पिछलिया सरकार धरने लाते हो, इन्होंने PhD वर्ग के लोगों धरने लाने लिए मजबूर कर दिता है, तो इन्होंने शर्म आनी चाहिए है कि तुसी आम लोगों के नाल झूठे वादे किए ने। कोई गल नहीं, वक्त बदलता है, जे लोगों ने इन्हों सत्ता चलिया होंगे तो यह कुर्सी तो लाने वाले भी इन्हों लोग ही होंगे जे इन्होंने समय सिर से अपने वादे पूरे ना किए। की नाम है तुहाडा? सर मेरा नाम सिमरजीत कौर है। क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन ट्रिपल मास्टर्स BEd PhD क्लीयर एंड नैट क्वालीफाइड, एंड जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला 1158 वाला पेपर होया जी, वो मैं फाइन आर्ट सब्जेक्ट के टॉप किया पूरे पंजाब के। कदे तपदियां धुप्पां दे विच, कदे अज बारिशां दे मौसम दे विच छतरियां दे नाल जो रोस अंदोलन है वो किया जा रहा है, की सोचते हो अज छतरियां उत्ते 1158 लिखना पै गया? सर घरदिया ने बड़े लाडा प्यारा नाल पालिया, बड़े नाज नाल रखिया सीगा, बट आज इस भर्ती ने सानू धुप्पां भी सिखवा दित्तियां, थाणियां दे विच भी साढ़े चक्कर लगवा दिते, अद्धी अद्धी रात तक सानू थाणियां दे विच रखिया गया। 19 तरीक नूं असीं मीत हेयर जी नूं जस्ट एक रिक्वेस्ट करन आए सी कि साडी गल सुनी जावे, सानू एक पैनल मीटिंग दित्ती जावे। इत्थे बरनाले दे विच ही असीं आए होए सीगे ते सानू किसान जथेबंदियां द्वारा छडवाया गया थाणियां दे विचों, ते अज फिर उस दिन लाठी चार्ज होया बुरी तरह साढ़े फीमेल टीचर्स दे उत्ते, PhD क्वालीफाइड, नैट क्वालीफाइड, ये सारा कुछ करके इन्नी इन्नी क्वालिफिकेशन लैके असी इतने सड़कों पर रोड़ रहे हैं। देखो तुसी अज इन्नी बारिश के बावजूद असी आए हैं, तो सरकार नू
आ लिख के आ सारा कुछ करके जो गूंगी ते बोली सरकार हो चुकी है उन्हें जस्ट अस यही कहना चाहते हैं कि बाकी हर एक मुद्दे के उत्ते तुसी बोल रहे हो 1158 15 अगस्त तो असी 15 अगस्त नूं मंग पत्र देण गए से लुधियाना विखे उस दिन भी सानू जेलां दे विच भेजिया गया संगरूर भगवंत मान जी नूं मिलन गए सी उत्थे भी साडी कोई सुनवाई नहीं हुई ते साडी भर्ती नूं क्रैश करके वो पता नहीं की साबित करना चाहते हैं ते PhD कैंडीडेट्स इत्थे सड़कां ते रुल रहे आ उस राज दे विच आम आदमी पार्टी दे राज दे विच किसी भी भाषा दे साहित्यकार बुद्धिजीवी हुंदे ने ते असीं उहनां साहित्यकारां ते बुद्धिजीवियां ते हमेशा माण करदे हां। मेरे नाल पंजाबी दे उगे गज़ल गो वाहिद ने जिहड़े 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर दी भर्ती अधीन सरकारी कॉलेजां नूं बचाउण लई तुरे सी अज की सोचदे ने वाहिद कांग्रेस वेले की सोचदे सी बई अज आम आदमी पार्टी सरकार है कोई फर्क नज़र आउंदा नहीं फर्क कोई नज़र नहीं आउंदा मैं नूं इह लगदा हुंदा कि इत्थे सिर्फ बंदा बदलदा जिहड़ा पिछे सिस्टम चल रिहा सरकारां दा चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो चाहे वह अकाली दल की सरकार हो सारिया कारपोरेट घराणिया के मतलब इशारिया चलन वाली सरकार ने गियाँ भगत सिंह का नाम लैके ज इनकलाब जिंदाबाद के नारे वरत के इन्होंने जिमें लोगों बेवकूफ़ बनाया गा जिमें लोगों के सुपने तोड़े ने गे तो इस तरह की उम्मीद घट्टो घट्ट इस सरकार तो नहीं सी क्योंकि असं ये मानते सी भी इस सरकार के जिन्हें भी MLA है ने गे वो सारे आम घर से आम घर भगत सिंह का जां फिर भगत सिंह की पग का जिहड़ा इन्हां ने वरतों की है अपने कारपोरेट घराणियां नूं जां उन्हां आका जिहड़े इन्हां दे हैगे ने उन्हां नूं खुश करन लई मैनूं कोई बहुता फर्क नहीं लगता मैनूं लगता है उन्हां तों भी ज़्यादा भ्रिष्ट सरकार है। तुहाडी क्वालिफिकेशन की है? मैं PhD कर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो पहला MPhil की हुई है UGC नैट JRF मेरा क्लीयर होया हुआ पहला सब्जेक्ट मेरा पंजाबी की लगता है पंजाबी माँ बोली का बड़ा ढंडोरा पिटते रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान अज पंजाबी माँ बोली इन्हां दे हत्थां 'च सुरक्षित लगती है? जी नहीं मैनू नहीं लगता क्योंकि असल दे विच ज़्यादा जिहड़ा दुख है या रोह है या रंज जिहड़ा है भगवंत मान दे नाल वो इस करके भी है क्योंकि खुद कलाकार रहा तो उस बंदे नू घट्टो घट्ट किसी भाषा की जिहड़ी अहमियत हैगी वो पता होनी चाहिए हैगी और जिस तरीके नाल मतलब वो बंदे ने किया है पंजाब के लोगों नाल जिवें भाषा नू लेके जिन्नी उहदी एक तरह नाल गैर जिम्मेवाराना रवैया जिहड़ा उहदा सामने आ रहा है इन्हां दे मंत्री जिहड़े हैगे ने वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नू एक मॉडल के तौर पर सामने रख रहे हैं किसी भी सरकारी कॉलेज के विच या किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी के विच इन्हां दे किसी भी मंत्री वल्लों जाके अजे तक उहदी दशा दा जां उहदी स्थिति की आ उहदा जायजा नहीं लिया गया सरकारी संस्थावां ते रेडा मारदे आ और प्रचार करदे आ इह प्राइवेट यूनिवर्सिटियां दा तुसीं इन्हां दी नीति जिहड़ी हैगी उहनूं बड़ी चंगी तरह साफ रूप दे विच समझ सकदे हो देख सकदे हो। तुहाडा याद होणा अक्सर कहिंदे हुंदे सी कि कांग्रसी अकाली डांगा भराउंदे ने तो धरने लाने की इन्ना वे लड़ पैदा साढ़े वे लड़ नहीं पेगी अज बाद की सोच रहे मैनू ये लग रहा है भी कहण दिया गल्ला हुंदियां ने गियां ग्राउंड ते की हो रहा है रियल लाइफ दे विच की वापर रहा है तुसीं खुद देख सकते होगे चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के निजीकरण का केंद्रीकरण का मसला जो सामने आया सीगा इन्हां दी सरकार ने किवें उत्थे स्टूडेंटां दीआं मतलब लाठियां बराईआं ने 19 तरीक नूं ऐसे जगह ते जिहड़े असिस्टेंट प्रोफेसर सीगे मतलब उन्होंने कुड़ियां किमें कुट भजा भजा कुट रहे ने वो साडा एक साथी हैगा योधा उहदा हथ तोड़ दिता मतलब इस तो ज़्यादा शर्मनाक गल की हो सकती है सरकार वास्ते भी तुसीं पढ़े लिखे लोगों दीआं लत्तां बाहां तोड़न ते लगे हुए होंगे तुसीं की कह के आए सीगे सरकार दे विच की वादे करके आए सीगे ते तुसीं कर की रहोगे ते लाणतां पैणियां चाहीदे ने मैनूं लगदा भी असीं इस संघर्ष नूं पिंड पिंड तक लैके जावांगे लोगों नूं जिहड़ा हजे भरम वैसे तां टुट गया जिहड़ी हालत पिछलियां सरकारां दी 10वें साल च जाके हुंदी हुंदी सीगी ते उह पिंडां च वड़न लगे डरदे सीगे उहनां दे नाल एडे एडे सिक्योरिटी दे जिहड़े काफले हुंदे सीगे इस सरकार दी उह खस्ता हालत 5 महीनिआं च हो चुकी है तुसीं इह देखो भी 5 सालां च इहनां दी हालत की होण वाली है अंदाजा लओ तुसीं इस गल दा। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ MPhil ਪਾਸ ਹੈ UGC ਨੈਟ ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PhD ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸੈੱਟ ਦਾ ਟੌਪਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ
तो यह मेरी क्वालिफिकेशन है जी। और अज जो असं इकट्ठे हुए हैं साडा मकसद ये है कि साड़ी 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली सी उहदे विचों बहुते सबजैक्ट है जिहड़े उन्हां दा रिजल्ट आ चुका सी। कुछ साथी जॉइन कर चुके साडे 124 कैंडीडेट 483 कैंडीडेट है जिहड़े उन्हां नूं अपॉइंटमेंट लैटर मिल गए सी डिपार्टमेंट वल्लों, ते उन्हां ने आपणियां पुरानियां नौकरियां तों अस्तीफा देता सीगा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤਾ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ 1158 ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 322 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਗਰ 280 ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਬਚਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਰੌਲ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਕਿ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ UGC ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1996 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਛ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਗਭਗ 14 ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਊਟਡ ਜਰਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। 1158 ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੇਟ ਸੀ? ਸਰ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ 1158 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 124 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਤਕੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ
तो सर इस रिक्रूटमेंट के मेरे दो स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने मैं पहला पढ़ा चुका हाँ। तो यहोजी जी क्लास है जो सब तो वध पीढ़ी लिखी क्लास है उन्होंने सरकार का रवैया यह आ कि मीटिंग मंगन जाते हैं जदों कि साढ़े नाल गल करो जी भर्ती क्वैश हुई वो बारे अभी साढ़े नाल बैठ के गल करो एक पैनल मीटिंग दो तो उन्होंने पैनल मीटिंग देने की बजाए मीत हेयर साहब जोड़े आ पुलिस तो लाठीचार्ज करवाते हैं उस तो बाद उन्होंने जो कैंडिडेट्स है उन्होंने जिहड़ियां लेडीज़ ने उन्होंने जी मेल पुलिस आ बदसलूकी करती है उन्होंने धक्के मारती है उन्होंने थाने में ले जा के रखा जाता रात को 12-12 बजे तक उन्होंने बिठाया जाता है तो जो किसान जथेबंदियां उसके विच आके इंटरवीन कर दी है उत्थे आके धरना लाउंदियां तो फिर छड्डा जाता जी। हरमन की नाम तुहाडा? हरमन डॉक्टर हरमनदीप कौर। क्वालिफिकेशन? एम फिल पी एच डी नैट विद जे आर एफ। मुख्यमंत्री भगवंत मान कदे धियां भैणां दी हंजुआं नूं भी महसूस करते होंगे सी चोणां दौरान अज जेंट्स पुलिस वालों लेडीज जिहड़ियां लड़कियां नेगियां उन्हां उत्ते डंगा भराईआं गईआं अज आम आदमी पार्टी सत्ता सब तो पहला की सोचते सी अज तुसीं की सोचदे हो? सत्ता तो पहले एक बदलाव लियाउण दी गल जिहड़ी होई सी उह सानूं वी लग रहा सी वी चलो एक चेंज लिया के देखिए अकाली कांग्रेस तो बाहर जाके एक नवी पार्टी नूं लैके आउणे आ और आम लोगों चों इह पार्टी आऊगी तो शायद ये साडे पक्ष की गल करनगे बट उहदे विच तां कोई आपां नूं कोई रियलिटी दिख नहीं रही उह इदां है कि सारा ही जुमला सी इस टाइम जो आप पार्टी है वह बीजेपी का एक छोटा रूप लग रही है भैणा धियां मावां की गल जिहड़ी इह करदे सी वो 100% ही उठलाई जा सकती है क्योंकि कल तुसी हाल देख ही लिया 19 नूं जो हाल होया इत्थे धियां भैणां दे ईवन इन्नी घट पुलिस फोर्स सीगी महिला पुलिस फोर्स बहुत घट सी जेंट्स ने बड़े ही एजुकेटेड लोगों के डंडे वराए आ एजुकेटेड कुड़ियों के डंडे वराए आ फिर आपां इह किद्दां कह सकते हैं कि विमेन्स का पक्ष लैंदे आ। एक पासे अंग्रेजों नौकरी देने की गल की जाती है जर्मन के दौरान जाके बेरोजगार नौकरी देने की गल की जाती है दूसरे पास सब तो वध पढ़िया लिखा तबका नौकरी लैण लई सड़कां ते है। सर इहनू आपां जुमला ही कह सकते हैं अंग्रेजों नू मसा तां असीं अपने देश चों कढ़िया हुण उहनां नू असीं फिर वापस लैके आ रहे हैं वी साडे अगे काम करो इत्थे मैं कहनी हां जिन्ने क्वालीफाइड लोग इंडिया च हैगे किसी कंट्री च इन्ने क्वालीफाइड लोग नहीं हैगे गे वड्डियां वड्डियां डिग्रियां चक्की फिरदे आ इत्थे 25-25 क्लासा पढ़ चुके तो इन्हों नू दिखते नहीं नौकरियां देने लई अंग्रेजों की यह गल करते हैं 11-58 ही लै लो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ी हाँ और उत्थे मेरे नाल जिहड़े होस्टलर लड़कियां मेरे नाल रहिंदियां सी मैं इन्नियां लड़कियां देखियां जिहड़ियां अपनियां डाइट्स छड के अपनी हायर एजुकेशन नू कंप्लीट किया उन्होंने और वह लड़कियां विचों कितनियां सारियां लड़कियां इस 11-58 भर्ती विच आईआं उन्हां दी तां कोई सार नहीं लै रहे सर फिर की कर सकते हैं पहलां दा। अज सिक्ख्या मंत्री जिहड़े तुहाडे याद होना जदों पहली विधानसभा की मीटिंग हुई सी जदों पहली मीटिंग हुई मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद बोलिया कि साडी सरकार तो वार्डां च जाके चलिया करूगी मुहल्लियां जाके चलिया करू अज उल्टा हो रहा कि तुहानू मीटिंग लैण दे लई तरलो मछी होना पै रहा तो उल्टा मीटिंग मिल रही है। सर सेम ही चीज़ इत्थे लागू हुंदी है वार्ड तो यह भुल ही गया कि वार्ड हुंदे की है यह तो चंडीगढ़ जाके बह गए ये तो अपने हल्के च भी नहीं जाते गए इन्हां दे हल्के दे लोगों तो जाके पुछ लियो भी इन्हां नू किन्ना किन्ना टाइम हो गया इन्हां दे हल्के विच गया नू और नौकरियां देन लगे ये जिहड़े क्वालीफाइड एलीजिबल है उन्हां दी इह गल नहीं करदे उन्हां नू इह कहिंदे वी असीं बाहर कर दिंदे आ ते जिन्हां दी एलीजिबिलिटी नहीं बनदी उन्हां दी साइड लैंदे आ उन्हां नू हर तीजे दिन मीटिंगां दित्तियां जांदियां इह है की आ सानूं तां इह समझ नहीं आउंदा साडे नाल इन्नी नफरत क्यों है ते उन्हां नाल इन्ना प्यार क्यों है जिहड़े योग भी नहीं हैगे नैट क्वालीफाई करना कोई ईजी नहीं हैगा इंडिया लैवल दा पेपर है नैट इंडिया लैवल का पेपर है और इंडिया में मैरिट में जिहड़े उपर 5% आते हैं उन्होंने नैट क्लीयर करते हैं कि हाँ जी ये बच्चे योग है कॉलेज में प्रोफेसर लगन लई ठीक है उन्होंने जिहड़े वो 5% होंगे उन्हां तो भी जिहड़े अपर 2% मैरिट में आते हैं उन्होंने जे आर एफ दिता जाता है कि हाँ जी तुसीं रिसर्च करो अगे असीं तुहाडी मदद करते हैं उन्होंने फैलोशिप हैवी फैलोशिप्स दित्तियां जांदियां तां इह उन्हां बच्चों नूं इगनोर करके जिहड़े लोगों को नैट भी नहीं हैगा सिर्फ मास्टर्स क्लीयर करके वो कॉलेज में लगे हुए और मास्टर्स वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं की क्वालिटी रहेगी जे आप यूनाइटेड नेशन की गल करिए अपनी कंट्री भी उदा ही मैंबर हैगी है यूनाइटेड नेशन का उन्होंने एक टारगेट रखे 2030 तक कि क्वालिटी एजुकेशन असी प्रोवाइड करनी है स्पैशली डिवेलपिंग कंट्रीज में असी प्रफुल्लित करना है और उन्होंने जो 3 पिलर्स है इस गोल को कवर करने लिए 3 पिलर्स उन्होंने रखे उन्होंने फर्स्ट हैगे कि क्वालीफाइड टीचर्स जेड़े आ कॉलेज स्कूल्स में जाएंगे और ये तो वो फर्स्ट पॉइंट ते ही वर्क नहीं कर रहे ये तो वर्क की करना वो उल्ट चले हुए मैनू तो समझ नहीं आती भी इन्हों दिमागों की हो गया
इन्हों की सोच शक्ति खत्म हो गई कि इन्हें कॉमन सेंस नहीं हैगी कि असी किस साइड नू जाना है। मैं मेरी पढ़ाई सदका रिसर्च दे सदका खोज दे सदका मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों या होर जिहड़ियां बाहरलियां देश ने उन्हां दियां सरकारां वालों USA कैनेडा सिंगापुर चाइना साउथ अफ्रीका बुलाया जाता है जिथे जाके मैं अपना खोज पत्र ने जिहड़े ओह पढ़दा हाँ या खोज जिहड़ी हैगी अपनी पूरी करदा हाँ। जदों मेरी PhD खत्म हो जाती है तो उस तो बाद मैं एक साल दे लई उस तो अगली जिहड़ी रिसर्च है पोस्ट डॉक्टोरेट जिहड़ी रिसर्च है यूनीवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK दे नाल करदा हाँ। उस तो बाद मैं पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच अध्यापन अपना शुरू करता हाँ। फिर मैं सरकारी कॉलेज चंडीगढ़ दे विच बतौर सहायक प्रोफेसर नियुक्त हो जाता हाँ। जो ये पंजाब की भर्ती आती है तो जिहड़ा साडा एक सपना शुरू तो लैके असी चले सीगे जिहदे करके असी बाहर भी नहीं गए सीगे हालांकि बाहर जाण दे मौके बड़े सीगे कि असी पंजाब दे कॉलेजां नूं पंजाब नूं असी सेवावां प्रदान करनियां ने जिस धरती तो मैं इन्ना कुछ लिया है तो उस धरती नूं मैं वापस करना है। तो असी इस भर्ती नूं बड़ी उम्मीद दीआं नज़रां दे नाल देखदे हाँ ते मेहनत दे विच कोई कसर नहीं छड्डदे। साडे विचों 1158 सहायक प्रोफेसरां दी ते लाइब्रेरियन दी प्रीख्या दे विच जिहड़े पास करके मैरिट ते आ गए उन्हां दी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है। December 3 नूं जिस दिन मान्योग हाई कोर्ट वालों स्टे कर दिता जाता है ऑर्डर क्योंकि कुछ पटिशनर्स जिहड़े ऑलरेडी इस भर्ती के खिलाफ सीगे शुरू तो उन्हां वालों पटिशनां दायर कीतियां जांदियां ने तो उन्होंने बेस से 3 December नूं स्टे जिहड़ी हैगी हो जाती है। 3 December नूं साडे भर्ती दे विच 607 जिहड़े साथी सीगे 607 सहायक प्रोफेसर सीगे वो अपनिया पुरानिया जॉब्स तो छड़ के बकायदा तौर पर सानू कहा गया कि तुसी अपनिया पुरानिया जॉब्स तो इस्तीफे दे के ही ज्वाइन करोगे तो उहदे विच असी 607 जने ज्वाइन कर जाते हाँ स्टे लगन तो पहला। तो उस तो बाद क्योंकि स्टे लगन तो पहला 607 ज्वाइन कर चुके सीगे जज साहब ने भी यह कहा भी हुण तुसी अगे कोई अपॉइंटमेंट नहीं करनी हैगी तो सरकार बिल्कुल उसे ऑर्डर नू फॉलो करते हुए जिहड़े ज्वाइन कर चुके सीगे उन्हां नू अगे स्टेशन लैटर बनने शुरू कर दिए। 607 दे विचों 135 जने जिन्हां विचों 124 जने स्टेशन ते जाके अपनी हाजिरी दे दिंदे ने वो सहायक प्रोफेसर वजों पंजाब दे जिहड़े 64 सरकारी कॉलेज ने उन्हां विचों बतौर सहायक प्रोफेसर नियुक्त कर दिते जांदे ने ते असीं पिछले डिसंबर तो पंजाब दे अलग अलग सरकारी कॉलेजां दे विच पढ़ा रहे हैगे आ। सब तो ज़्यादा उत्पीड़न उन्हां दा हुंदा है जिहड़े 483 कैंडीडेट पुरानियां नौकरियां छड्ड गए लेकिन अगे उन्हां नूं ज्वाइनिंग नहीं दित्ती गई सिर्फ और सिर्फ सरकार की माड़ी पैरवाई कारण जिहड़ी वो हाई कोर्ट दे विच करदी है। उस तो बाद जिहड़े साढ़े 350 कैंडीडेट जिहड़े होर विषयां दे विच सिलेक्ट हो चुके सीगे जिवें पंजाबी है हिंदी है इंग्लिश है उन्हां नूं सिलेक्शन्स तो बाद अगे कोई प्रक्रिया हाई कोर्ट वालों नहीं करी कर सकदे सरकार वजों तो इस करके वह भर्ती तो बाहर रह जाते हैं। असी बाकायदा तौर पर उस तो बाद सरकार दे नुमाइंदियां कोल सरकार दे ऑफिशियल्स कोल असी अपनी ये गल बार बार रखते हैं कि हुण जरूरी है जी कि तुसी साडी जिहड़ी पैरवाई कोर्ट दे विच चंगे तरीके नाल करो लेकिन उहदे विच जिहड़ी नाअहली सानू देखण नूं मिली तकरीबन 40 दे करीब हेयरिंग होईआं जदों 8 अगस्त तो पहलां जदों कि साडी भर्ती नूं दे इश्तिहार नूं रद्द करन दा जज साहब ने फैसला सुना दिता तो उन्हां 40 दे विच मैनू नहीं लगता असी किसी एक हेयरिंग दे विच वी सरकार दे जिहड़े वकील सीगे उन्हां दी पैरवाई तो खुश होए। सानू कई बार ये महसूस हुंदा सीगा भी जिहड़े मुद्दे बहुत ज़्यादा साफ ते स्पष्ट ने उन्हां दे उपर एक साफ तरीके नाल गल क्यों नहीं रख पा रहे। जे मैं भर्ती की गल करां तो 2-3 मुद्दे सीगे जिहड़े मुख्य तौर पर विचारे गए सीगे भी ये PPSC दे घेरे तो बाहर कढ़ियां होईयां ने बाहर कीतियां गईयां ने नहीं करनियां चाहीदियां सीगियां तो संविधान सानू इस चीज़ की इजाजत दिंदा है सरकार नूं इजाजत दिंदा है सूबा सरकार नूं इजाजत दिंदा है कि वह एक प्रोसैस पूरा करके उन्हां तों भर्ती बाहर कढ सकदी है। तो उस दे विच भी सरकार वालों नोटिफिकेशन जिहड़ी सीगी गज़ट नोटिफिकेशन और नवीं सरकार वालों जारी कर दित्ती गई सी पुरानी सरकार वेले वो प्रोसैस शुरू हो चुकिया सीगा। फिर UGC दे नियमां नूं लैके गल होई सीगी तां उहदे विच वी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दीआं जजमेंट्स ने डिवीजन बेंच दीआं जजमेंट ने जिहदे विच कहा गया कि UGC दी जिहड़ी बेसिक क्वालिफिकेशन है उहनूं अखोले नहीं कीता जा सकदा बाकी जिहड़ियां उहदीआं क्वालिफिकेशनस ने उह सरकार दे उपर इह उहदी आज़ादी दे उपर अंकुश लग जांदा है तां उह अपने मुताबिक उसनूं देख सकदी हैगी है। तो UGC दे नियम इस भर्ती दे विच वी फॉलो किए गए सीगे। इस तो इलावा 5 नंबर का एक मसला सीगा कि 5 नंबर पहला देने सीगे जिहड़े ऑलरेडी पंजाब दे सरकारी कॉलेजां दे विच गेस्ट फैकल्टी एडहॉक टीचर्स पार्ट टाइम टीचर पढ़ा रहे सीगे तो सरकार ने एक अधिनियम के तहत उन्हूं वापस लै लिया
जदों 8 अगस्त तो पहला या 8 अगस्त तो बाद जदों ये विस्तृत फैसला 16 सितंबर नूं नहीं आया सीगा, साडी सरकार नाल बार बार जदों इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू गल कर रही थी, फॉर्मली तो वो सानूं कदे मिले नहीं, इनफॉर्मली जदों गलबात चल रही थी तो सरकार बार बार ये कह रही थी 5 नंबर करके शायद भर्ती रद्द हुई है, बट जदों विस्तृत फैसला 16 सितंबर नूं आ जाता है तो उहदे विच जज साहब उस मसले नूं ना तो विचारते हैं तो जे उहदे बारे कोई टिप्पणी देंदे हैं तो कहिंदे ने भी इह बड़ा नोवल स्टैप सीगा जिहड़ा बहुत देरी नाल लिया गया, पर जिन्हें देरी नाल होण करके सिर्फ पटीशनां दे वादे दे विच ही भूमिका निभाई तो यह इन्नी क टिप्पणी उह करदे हन तो सानू इक आस जगदी है भी हुण तां सरकार कहेगी क्योंकि उन्हें कहा कि 5 नंबर वाला मुद्दा सीगा वो मुद्दा विचारिया नहीं गया है तो हुण तां अगे पैरवाई लेके आएगी क्योंकि 607 बंदे ने जिहड़े वो पुरानियां जॉब्स तो रिजाइन करी बैठे ने, उन्हां दे विच्चों 483 ने ना उधर दे रहे ना इधर दे रहे, ना सैलरी मिल रही है, रोज़गार प्राप्त पहला होया बेरोज़गार बन चुके सीगे वो, ठीक है जी। तो सानू लग्या सीगा भी हुण तां इह पैरवाई करेगी, पैरवाई नहीं हुंदी। 19 तारीख नूं असीं इत्थे आउणे आ, 8 अगस्त तो बाद भी असीं एक धरना 15 अगस्त नूं असीं लुधियाने लगाया सीगा, उस तो बाद असीं 28 अगस्त नूं संगरूर विखे लगाया सीगा, 16 सितंबर नूं जजमेंट आउण तो बाद 19 सितंबर नूं असीं बरनाला विखे आ जांदे आ। लेकिन उस दिन जिस दिन साडे नाल जो घटनाक्रम होया, जो सरकार ने बड़ी भयानक हरकत साडे नाल कीती, लाठीचार्ज होया, साडियां महिला सहायक प्रोफेसरां दे नाल बदसलूकी हुई, थाणियां दे विच सानूं 12 बजे तक इलीगली डिटेन किया गया तो उस तो बाद भी शर्तिया तौर पर सानू जिहड़ा रिहा करन दे जिहड़े ऑर्डर सीगे वो जारी किए गए। लेकिन भला होवे किसान जथेबंदियां दा, DTF दा, BKU ग्राहां दा, BKU डकौंदा दा, ते इस तो इलावा तर्कशील दा कि जिन्हां ने साडी हिमायत दे विच उस वेले नितरे ते पंजाब दे सब तो पढ़े लिखे वर्ग नूं जिहड़ा कि गैर कानूनी तौर पर डिटेन किया गया सीगा, उन्हां नूं बिना शर्त तो रिहा करवाया। ये साडी त्रासदी है कि असीं इन्नियां डिग्रियां पढ़ के भी, इन्नियां डिग्रियां करके भी सानू ये दिन देखना पिया। असीं अज दा जिहड़ा धरना है उसे दी निखेधी करन दे लई असीं ऑर्गेनाइज़ किया। असीं अज दे धरने तो सरकार नूं ये मैसेज भी देना चाहुंदे सीगे कि कई बार ये समझा जांदा कि जिहड़ा ज़्यादा पढ़िया लिखिया हुंदा वो डराकल भी हुंदा है, वो शायद हालातों नूं उन्हें अगे आके फेस करन दे विच उन्नी शक्ति नहीं रखता है, सिर्फ गल्लबात तक ही रखता है। तो उसते जो उस दिन जबर जुल्म किया गया उसके खिलाफ असी अज अपनी आवाज़ बुलंद करना आए सी कि असी वो नहीं है जिहड़े तुहाडे डंडियां तो डर जाएंगे, तुहाडे गलत तरीके नाल कीते हुए परचियां तो डर जाएंगे, या फिर तुहाडियां गिदड़ भाकियां तो डर जाएंगे। असी पंजाब का पढ़िया लिखिया वर्ग हैगे आ, असी पंजाब नूं बचाउण दी लड़ाई दे विच शामिल होए आ, पंजाब दे सरकारी कॉलेजां नूं सुरजीत करन दी लड़ाई दे विच असी शामिल होए आ। असी इस भर्ती नूं जद तक ये पूरी नहीं हुंदी असी पक्के तौर पर इत्थे ही बैठे रहांगे, इत्थे ही आवांगे ते इत्थे ही अस हमेशा जुटे रहांगे। हुण साडा जिहड़ा ये प्रोटेस्ट है वो ना सिर्फ साडी लड़ाई बन चुकिया है बल्कि ये पंजाब दे होर जिहड़ा बुद्धिजीवी वर्ग हैगा उन्हां दी भी लड़ाई बन चुकिया हैगा, पंजाब दे किसान जथेबंदियां दी लड़ाई बन चुकिया है, मजदूर जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां दी लड़ाई बन चुकिया है, जिहड़ी विद्यार्थी जथेबंदियां ने उन्हां दी लड़ाई बन चुकिया है। ते अज इत्थे साडे कोल तकरीबन 25 दे करीब जिहड़ियां ये जथेबंदियां ने, किसान जथेबंदियां, मुलाजम जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां या स्टूडेंट जथेबंदियां या बुद्धिजीवी वर्ग नाल जुड़ियां हुई जथेबंदियां, अध्यापक जथेबंदियां पहुंचियां हन जिन्हां ने सानू यह भरोसा दिता है कि आन वाली लड़ाई दे विच साडे नाल मोढे ते मोढा जिहड़ा हैगा उह लगा के खड़नगे, ना सिर्फ अपनी हमायत देणगे बल्कि अपना सहयोग भी देणगे। तां असीं इस लड़ाई नूं होर वड्डा करांगे जे सरकार साडी गल नहीं सुनदी हैगी। ये वो सरकार है जिहड़ी इन्हां वादियां ते इस वेले इहदे विच आई सीगी, सत्ता दे विच आई सी कि असीं सिक्ख्या नूं असीं सेहत नूं सांभांगे, पर इहनां दी करनी ते कहनी दे विच सानूं जिहड़ा फर्क है वो साफ नज़र आ रिहा। तुसीं सुणिया पंजाब दे सब तो वध पढ़े लिखे वह लोग जो यूनीवर्सिटियां दे विचों सरकारी स्कूलों जो पढ़दे होए आ यूनीवर्सिटी तक पहुँचते हैं तो गोल्ड मैडलिस्ट होंदे ने, बहुत सारे कैंडीडेट PhD कंप्लीट ने, बहुत सारे ने स्कॉलरशिप छड़तियां ते सरकार ने यह कह के नौकरियां छड़ातियां जिहड़ी नौकरियां पहला कर रहे सी कि इधर ज्वाइन तां करो पहला उधर अस्तीफा दिओ। दूसरे पासे बहुत सारे कैंडीडेट अजिहे ने जिहड़े अपने पढ़ाई दे बेस दे उत्ते अमरीका कनेडा जिहड़े लोग लखां रुपए लैके जांदे ने पढ़ाई दे जाके उधर सैमीनार करके आउंदे ने, पर अज पंजाब दा मुख्यमंत्री अज उचेरी सिक्ख्या दा सिक्ख्या मंत्री जिहड़ा मीत हियर उल्टा उहनां दा डांगा भराउंदा है, ठंडे चुल्हों की गल करन वाला मुख्यमंत्री भगवंत मान अज क्यों भुल गया कि साडियां पंजाब दियां धीआं, साडे पंजाब दियां भैणां, साडे पंजाब दा नौजवान वर्ग
अज तुहाडे कोलों अपने हक मंग रहा है। तुसी अक्सर कहिंदे हुंदे सी कि मैं मास्टर का पुत हाँ, अज ये मास्टर, अज ये अध्यापक, अज ये प्रोफेसर सड़कों के उत्तरे अपन एलीजीबिलिटियां पूरी करन तो बाद भी नौकरी नूं तुहाडे अगे हाड़े कढ़ रहे ने। एक पैनल मीटिंग दे लई सड़कों के उतरे हुए ने। देखना है कि आम आदमी पार्टी सरकार जिहड़े जज्बाती भाषण दिंदी सी, जज्बाती गल्लां करदी सी, अज कदों तक 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर ते लाइब्रेरी दी भर्ती ते कदों गौर करदी है। सो बने रहो सरलेख दे नाल, सुखी मंगाणियां दे नाल, दीप कुलरी।